हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संतोष और आप देख रहे हैं डिजिटल वाला डीएनए। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं, जब आप आईटीआर फाइल किए होंगे तो उस समय आपको बैंक डिटेल सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है, जहां आप अपना रिफंड, जो भी आपका टीडीएस कटा होगा उस सेशन में आपका वो रिफंड आ सके उस बैंक अकाउंट में। लेकिन गलती से वो अकाउंट बंद हो गया या इंडोर्समेंट में चला गया या उस बैंक अकाउंट में आपका प्रॉब्लम हो गया, जिसके कारण आपका जो रिफंड था वो नहीं आ पा रहा उस अकाउंट में और आपको मैसेज आ रहा है इस टाइप से, योर रिफंड हैज बीन फेल्ड, प्लीज रेज अ रिफंड री इशू रिक्वेस्ट। मतलब कि फिर से आप री इशू रिक्वेस्ट कर सकते हैं इनकम टैक्स को कि भाई जो भी मेरा टीडीएस कटा है वो मेरा रिफंड जो है वो मेरे बैंक तक दे दिया जाए। लेकिन आपने तो बैंक अकाउंट गलत डाला था या गलती से वो अकाउंट बंद हो गया, उसी को आपने सेलेक्ट कर लिया, तो अब क्या करें, आपका अब क्या प्रोसेस है। मेरा भी ऐसा ही हुआ था कि मैंने पिछले साल जिस बैंक अकाउंट में रिफंड लिया था वो अकाउंट इस साल मेरा किसी कारण से बंद हो गया और मेरा जो सीए जो है, जो मेरा जो इनकम टैक्स फाइल करते हैं, उन्होंने क्या किया था कि उसी बैंक अकाउंट को उन्होंने सेलेक्ट कर लिया था रिफंड प्रोसेस के लिए। उनको नहीं पता था कि वो बैंक अकाउंट बंद हो गया है, मिस अंडरस्टैंडिंग हुआ था, मैंने उनको बताया था लेकिन नहीं हो पाया था। तो चलिए कोई नहीं, यहाँ पे आप उसको कैसे री रिक्वेस्ट कर सकते हैं वो मैं आज कंप्लीट प्रोसेस एक लाइव डेमो के साथ दिखाने वाला हूँ, ताकि आपको भी अगर ये मैसेज आया है योर रिफंड हैज फेल्ड प्लीज रेज अ री इशू रिक्वेस्ट, तो आप कैसे उसको रिक्वेस्ट कर सकते हैं और आपका जो भी रिफंड है वो आपका बैंक तक कैसे, नए बैंक अकाउंट तक पहुंच सकता है। तो चलिए हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको ले चलते हैं और एक लाइव डेमो दिखाते हैं ताकि आपको सारा कुछ समझ में आ सके। तो देखिए यहाँ पे मेरा मेल पे जो भी मेरा रजिस्टर्ड मेल आईडी है और मोबाइल पे भी मेरे को इन्फॉर्मेशन आ गया था कि योर रिफंड हैज फेल्ड प्लीज रेज अ रिफंड री इशू रिक्वेस्ट, मतलब फिर से आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मेरे नाम से ही था, मैंने यहाँ पे दिखा दिया आपको, यहाँ पे रिफंड फेल्ड दिखा दिया, ये डेट दे रहा है और यहाँ पे मेरे अकाउंट नंबर जो दे रहा है कि इस अकाउंट में आपने रिफंड के लिए किया था लेकिन ये अकाउंट किसी कारण से नहीं फेच कर पा रहा तो फेल्ड हो गया। यहाँ पे आपको रेज अ रिफंड री इशू रिक्वेस्ट ऑन इनकम टैक्स .gov.in के वेबसाइट पे बोल रहा है, तो यहाँ पे हम लोग एक बार क्लिक कर लेंगे इस इनकम टैक्स का ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस पर। इसके बाद जो भी मेरा आईडी पासवर्ड होगा जिससे मैं आईटीआर फाइल करता हूँ लॉगिन करके, उसको हम लोग यहाँ पे एक बार लॉगिन कर लेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे एक बार लॉगिन कर लेते हैं। यूजर आईडी मांग रहा है, तो यूजर आईडी अपना जो भी पैन कार्ड नंबर होता है वही होता है, तो यहाँ पे पैन कार्ड नंबर लिख लीजिए आप। इसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपसे पासवर्ड पूछ रहा है, तो पासवर्ड जो भी आपने बनाया होगा वो यहाँ पे आप लिख लीजिए। यहाँ पे जो भी आपने पासवर्ड बनाया होगा वो यहाँ पे आप एंटर कर लीजिए। इसके बाद कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर दीजिएगा, तो देखिए ये आपका जो है आईटीआर जो है ये लॉगिन हो गया। यहाँ पे देखिए आपका जो भी रिफंड अमाउंट है ऊपर में ही फील्ड सक्सेसफुली दिखा रहा है और यहाँ पे रिफंड अमाउंट भी आपको दिखा देगा कि कितना आपका रिफंड आने वाला है। ये तो आप यहाँ पे देख लिए कि आपका रिफंड आने वाला है लेकिन फेल्ड हो गया, तो इसको री इशू रिक्वेस्ट कैसे करेंगे। यहाँ पे देखिए सर्विसेज में जाएंगे, यहाँ पे देखिए रिफंड री इशू करके ऑप्शन पूछ आ रहा है यहाँ पे, इस ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आ रहा है आपको क्रिएट रिफंड री इशू रिक्वेस्ट। आप स्टेप बाय स्टेप समझते जाइएगा, सेम बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत आसान है। यहाँ पे देखिए ये क्रिएट रिफंड री इशू रिक्वेस्ट पे आपने क्लिक किया तो ये पूछ रहा है कौन सा सेशन का आपको रिफंड लेना है। यहाँ पे देखिए जैसे कि मेरे को 20-21 का भी दिखा रहा है और 22-23 का भी दिखा रहा है, तो ऑब्वियसली है कि मेरा जो न्यू वाला जो है, मेरा 22-23 का जो मैंने आईटीआर फाइल किया है उसी का मेरे को लेना होगा, तो मैंने यहाँ पे 22-23 वाले पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे ये आ रहा है, मेरे को एक बैंक अकाउंट दिख रहा है SBI का। यहाँ पे आप अपना बैंक अकाउंट जो भी डिटेल्स है आप यहाँ पे आप वेरीफाई कर लीजिए। अगर आपका बैंक डिटेल्स यहाँ पे नहीं ऐड है, नहीं दिखा रहा है, तो आप यहाँ पे ऐड बैंक अकाउंट करके एक ऑप्शन आ रहा है, उसको भी आप यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट करके आप यहां पे नया बैंक अकाउंट यहां पे ऐड कर सकते हैं।
जो आपका करंट में वर्किंग में बैंक अकाउंट है वो। मेरे केस में ये बैंक अकाउंट जो है ना ये है मेरे पास और ये एक्टिव बैंक अकाउंट है, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया और प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे देखिए वेरिफिकेशन, जैसे हम लोग ITR फाइल करते हैं तो फाइनल वेरिफिकेशन जो करते हैं वो सेम लाइक उसी टाइप से आ गया यहाँ पे वेरिफिकेशन करने के लिए। तो मैं यहाँ पे आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग OTP ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विथ आधार नंबर, आधार कार्ड के साथ जो भी मेरा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पे OTP आएगा, बस उसी पे OTP जो आएगा वो यहाँ पे डाल करके मैं यहाँ पे वेरिफिकेशन कर लेने वाला हूँ। तो यहाँ पे जनरेट आधार OTP मैंने कर दिया। अब यहाँ देखिए मेरे आधार पे जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पे OTP आ जाएगा, उसको डालूंगा यहाँ पे तो वो वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मेरा OTP आ गया है, मैंने यहाँ पे OTP डाल करके वैलिडेट पे क्लिक कर रहा हूँ, देखता हूँ कि क्या। देखिए यहाँ पे सबमिटेड सक्सेसफुली हो गया, ट्रांजेक्शन ID नंबर भी दे दिया यहाँ पे, रिफंड री इशू का जो ऑप्शन था वो मेरा यहाँ पे कंप्लीटेड हो गया है। तो आप भी इस तरीके से अपना जो भी रिफंड का है वो आपका अगर फेल हुआ है तो इस टाइप से आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कुछ ही दिनों में ये लोग आपको इन्फॉर्म कर देंगे, एक दो दिन में इन्फॉर्म कर देते हैं कि आपका सक्सेसफुली जो रिफंड री इशू का ऑप्शन था उसने रिसीव कर लिया है और इसको प्रोसेस कर दिया जाएगा और जो भी आपका रिफंड है वो उस बैंक अकाउंट तक पहुंचा दिया जाएगा। तो यही ऑप्शन है, बहुत सिंपल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते जाइएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस टाइप से जो भी मैं वीडियो अभी अपलोड करूंगा अपने चैनल पे वो आप तक पहुंच जाएगा सबसे पहले। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।